चींटी और कबूतर। एक बार दो मित्र थे, एक चींटी और एक कबूतर। एक दिन चींटी अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नदी के किनारे गई। अचानक एक तीव्र गति से लहर उसके पास आई और उसे नदी में ले गई। चींटी बिल्कुल डूबने ही वाली थी। कबूतर, जो कि एक पेड़ पर बैठा था, ये सब देख रहा था। उसने चींटी को बचाने का फैसला किया। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में चींटी के करीब फेंक दिया। चींटी उस पर चढ़ गई और तैरती हुई सुरक्षा से किनारे पर पहुंच गई। चींटी ने कबूतर का अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों बाद एक शिकारी आया और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसने अपने गुलेल से कबूतर की तरफ अपना निशाना लगाया, जो कि शाखाओं में बैठा था। चींटी ने उसके निशाने का अनुमान लगाकर उसके पैर पर काट दिया। दर्द में शिकारी ने अपनी गुलेल नीचे फेंक दी और उस शोर से कबूतर उड़ गया। इस तरह दोनों मित्रों ने एक दूसरे की जान बचाने में सहायता की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भलाई के बदले भलाई मिलती है। बिल्ली और चूहियां। एक गांव में एक घर में बहुत सी चूहियां थी। चूहियां खाद्य पदार्थों के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों को खराब कर देती थी। उस घर का मालिक शहर से एक पालतू बिल्ली ले आया। बिल्ली चूहियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ने लगी और एक एक करके खाने लगी। चूहियों को बिल्ली के बारे में पता चला और अपनी जान बचाने के लिए चूहियों ने अपने आप को अपने बिलों में छुपाए रखा। बिल्ली को बहुत समय से कोई चूहिया नहीं मिली और उसने किसी उपाय से उन्हें बिलों से बाहर लाने की सोची। इसलिए उसने एक छत से छलांग लगाई और स्वयं को मरा हुआ दिखाने की कोशिश की। एक चूहिया सावधानी से बाहर आई। मैं बिल्ली को देखकर बोली, अरे मेरी अच्छी मैडम, अगर अब तुम एक भोजन के थैले में भी बदल जाओ तो भी हम तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वह जिसके साथ एक बार धोखा होता है वे दुगना सावधान हो जाता है। चील और लोमड़ी।
एक चील और लोमड़ी की आपस में मित्रता हो गई। जब वे जंगल में इकट्ठे शिकार के लिए जाते थे, एक दिन उन्होंने एक दूसरे के नजदीक रहने का फैसला किया। चील ने एक बड़े पेड़ की शाखाओं में अपना घोंसला बनाया, जबकि लोमड़ी पेड़ के नीचे रहने लगी। दोनों मित्र एक दूसरे की सहायता करते करते खुशी से रहने लगे। समय बीतने के साथ लोमड़ी ने अपने बच्चों को जन्म दिया। चील ने भी अंडे दिए। एक दिन जब लोमड़ी अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर गई थी, तो चील नीचे आई और वह लोमड़ी के एक बच्चे पर झपटी। वे अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाई। लोमड़ी ने वापस आकर देखा कि क्या हुआ था, लेकिन उसे अपने बच्चे की मृत्यु से ज्यादा दुख अपने बदला लेने में असमर्थ होने का था। लोमड़ी बदला लेने का मौका मिलने की इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद चील शिकार करने के लिए एक गांव की तरफ गई। उसने देखा कि कुछ लोगों ने एक बकरी को मारा हुआ था। जब वे बकरी का मांस पका रहे थे, तो चील जल्दी से मांस के एक टुकड़े पर झपटी और इसे एक जलते हुए कोयले के साथ उठाकर अपने घोंसले में ले गई। एक तेज हवा के झोंके से चिंगारी आग में बदल गई। और चील के बच्चे असहाय होने के कारण घोंसले में ही पक गए और पेड़ से नीचे गिर गए। लोमड़ी आई और चील की आंखों के सामने ही उन्हें खा गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। बिल्ली और शुक्र देवता। एक बार एक गांव